हेलो एवरीवन, वेलकम टू मर्लिन्स मास्टर्ड मील्स। तो बहुत बहुत स्वागत है सबका, वेलकम है। और आज हम बनाते हैं आम का चुंदा। तो ये दो आम लिए हैं मैंने, अपने गार्डन से मिला है, तो अपने झाड़ का आम है ये, तो इसका मैं चुंदा बनाऊंगी। तो अगर आपको अच्छा लगा तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर और कमेंट्स भी कीजिए, तो और बेल बटन भी दबाइए, तो मेरा सब रेसिपीज आपको आ जाएंगे। ये देखो, मैंने आम को काट लिया है बारीक बारीक ऐसे। मुझे वो किसा हुआ पसंद नहीं आता है, वो टूथपेस्ट जैसा बन जाता है, तो मैंने ये काट लिया है। अब लगाएंगे इसमें नमक, काला नमक, रॉक सॉल्ट माने पहाड़ी नमक, और ये खड़ा नमक। तो तीनों डाल के इसको मिक्स करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये इंस्टेंट है, मैं धूप में सुखाने वाली नहीं हूँ, ये सब थोड़ा सा बना के ख़त्म करने का, क्योंकि यहाँ पे काम चल रहा है बिल्डिंग का, इसके लिए वो बहुत आवाज़ और धूल, सब धूल आती है घर में। मुझे काम करने में सब ये होता है, क्योंकि खिड़की बंद करके काम करना पड़ता है। तो ये मैंने नमक लगा लिया और इसको रखते हैं अभी थोड़ी देर के लिए नमक लगा के। चलो तो फिर बनाते हैं अपना चुंदा, आम का चुंदा। ये देखो, थोड़ा तेल डालते हैं, ये राई का तेल है एक चम्मच बड़ा, और ये है राई, ये थोड़ा मेथी और साजीरा, और ये है अपना मिर्ची, थोड़ा सा जाड़ा पाउडर मिर्ची का, ये है जीरा, हींग, हल्दी, मिर्ची पाउडर कश्मीरी, और ये तिक्का वाला, और ये है भुना हुआ जीरा थोड़ा सा। तो अभी गैस करो बंद, तेल गरम हो गया है। तो ये जीरा और हींग राय सब मेथी अभी डाल दो वगार में इस तरह से। आप थोड़ा तेल डालेंगे ना तो कभी चिपकेगा नहीं नीचे, फिर आपका अचार अच्छा से घूम सकता है फ्राई पैन में या वोक में, चिपकेगा नहीं। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है मेथी और राई का, जीरा। तो अभी डालते हैं ये सब पाउडर, गैस स्लो, और डालते हैं आम। ये अचार के लिए आम जो है ना, वो राजापुरी अच्छा रहेगा, राजापुरी आम। इसको चलाते रहना थोड़ी देर। देखो मैंने चलाया थोड़ी देर, अब डालते एक वाटी गुड़ और थोड़ी दो चम्मच शक्कर है इसमें, ज़्यादा नहीं डालती शक्कर, गुड़ ज़्यादा डालिए। तो हेल्दी रहेगा ये, ऐसे घुमाते रहना इसको। अच्छी तरह भुनना चाहिए इसको, क्योंकि इंस्टेंट है ना, हम धूप में तो सुखाने वाले नहीं इसको।
चलो तो फिर अपना चुंदा रेडी हो गया है इसको घुमाते रहने का और स्लो गैस पे पकने देने का, तो अच्छी तरह से पक जाता है ये। सिर्फ नमक और मिर्ची का ध्यान रखने का, नमक तो बराबर होना चाहिए तो आपकी रेसिपी बहुत अच्छी बनती है। मिर्ची कम ज़्यादा चलती है लेकिन नमक नहीं चलता है, तो मिर्ची वह बाद में भी डाल सकते हैं, तो नमक पहले ही डालना चाहिए बराबर से, बाद में भी डाल सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है। तो अपना रेडी हो गया अभी, ये देखो गैस करो बंद, गैस करो बंद, हो गया रेडी। बहुत जल्दी बन जाता है, एटलीस्ट 10-12 मिनट में अपना पूरा रेसिपी हो जाती है। तो कैसे लगी आपको मेरे चुंदा की रेसिपी? बहुत अच्छा बन गया है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, फॉर योर व्यूज़, फॉर एवरीथिंग, फॉर योर ब्लेसिंग्स और सब सब कुछ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो, गॉड ब्लेस, बाय बाय।